राधे राधे, जय श्री ठाकुर जी महाराज की जय। देखिए अब हम ठाकुर जी के भोग के लिए खाना बना रहे हैं। ये फुलके बहुत बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे हैं ठाकुर जी। फुलके बनाए हैं, दाल है, रायता है, चावल है। देख आप सर्व कर रहे हैं, रायता सर्व किया। दो ठाकुर जी है ना, इसलिए दो दो कटोरी दोनों की लग रही है, एक एक कटोरी अलग अलग। अब ये ठाकुर जी की दाल सर्व हो रही है। रसोई में जब तक भोग ना लगाया जाए ना, खाने में स्वाद ही नहीं आता, क्योंकि जब तक वो खाना रहता है और भोग लगाते ही वो प्रसाद का रूप ले लेता है। अन्नपूर्णा माता की कृपा इसी तरह से बनी रहती है, जब तक हम भोग ना लगाए तो अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न नहीं होती। ये झोंक डाल दिया लाल घी करके। अब चपाती रखेंगे, ये स्पून रखी, चपातियाँ आ गई। अब चावल भी रखेंगे और फिर देखिए हम इनका भोग लगाएंगे। चावल सर्व। ये ठाकुर जी की चावलों की प्लेट, थाली में जगह नहीं थी इसलिए अलग प्लेट में कर दिए इनके लिए चावल। अब ये थाली पहुंची ठाकुर जी के पास। स्लो स्लो काम करती है ना मेरी बेटी, तो ठाकुर जी के पास ले जाने में। अब पहुंची है ठाकुर जी के पास इतनी देर में प्लेट लेके। भगवान जी का भी भूख का टाइम हो रहा है, और खिलाने का मतलब ही नहीं है। आप देखिए क्या छोट छोट की लाइट खिलाई गई ठाकुर जी को। दोनों ठाकुर जी को खिलाया जाएगा अलग अलग उनकी कटोरियों में से। उसके बाद राधा कृष्ण को भी आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। भोग में अब चावल खिलाने शुरू करें, इसके बाद रायता। राधा कृष्ण ही है, उनको भी खिलाया जाएगा। अगर आपको हमारा भोग लगाने का तरीका पसंद आया हो अगर आपको हमारा भोग पसंद आया तो कमेंट करके राधे राधे जरूर लिखें और हमें बताएं हमारे भोग में क्या कमी है, जो हम आगे उसे ठीक कर सकें। अब ये हम गाय की रोटी भी निकालेंगे। हम थाली में से ही एक दो रोटियों का भोग लगाते हैं, तो उसमें से एक थाली भोग की थाली में से लेते हैं और एक और रोटी अलग से लेते हैं जब हम गाय की और अग्नि देवता की निकालते हैं। भोग की थाली का भोजन निकाला वही भगवान के मुख तक जब ही पहुंचता है। ये फुलके भी इसी तरह से बनाए थे हमने। तो अब भोग के बाद हम अपने सबके लिए भोजन बना रहे हैं। जय श्री राधे।